अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। नमो लोए सफसाहूणम्। एषो पञ्चन मुक्कारो। मङ्गलाणं च सर्वेसिं। पढमं ह वै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र। तो ऐसे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के कोई भी पद पे हो पर हमेशा सीखता रहता है। जिस दिन मनुष्य ने सीखना बंद कर दिया उस दिन समझो कि वो मर गया। इसको ही हमने ध्यान रखते हुए हमने अप्लाई जैनिज्म का प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो इसी मुद्दे से है कि हम हर एक संडे, हर महीने के पहले संडे पे कुछ न कुछ इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल लिविंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब टॉपिक्स के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहे। ऐसा है कि नेक्स्ट डिकेड इज सपोज टू बी द मोस्ट क्रिटिकल डिकेड फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर नेक्स्ट डिकेड में आगे आने वाले 10 सालों में अगर हम लोग ने इस इको फ्रेंडली की तरफ या फिर सस्टेनेबल लिविंग की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इट्स गोइंग टू बी यू नो द क्राइसिस, द क्लाइमेट क्राइसिस। आई मीन कोरोना क्राइसिस तो बहुत छोटा एक है, इसके कई गुना ज्यादा क्लाइमेट क्राइसिस हम सब लोगों पे आने वाला है। और इसका मतलब अपने आने वाले जनरेशंस के लिए क्या है वो हम सबको मालूम ही है। इसी यू नो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर यू नो कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग अस एंड कमिंग हियर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑन एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ दैट। एज ऑलवेज इन दिस सेशन, आज के सेशन में भी हमने एक बहुत बड़े डिग्नेटरी को बुलाया है जो इको सस्टेनेबल लिविंग क्लाइमेट की तरफ उन्होंने बहुत सारे ठोस कदम उठाए बहुत अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। सो इसके बारे में हमें जल्दी और इसके बारे में सुनेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैंड इट ओवर टू आवर मेंटोर, टू आवर विजनरी डॉक्टर बिपिन जोशी, जिसके अंदर ये सारा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। सो सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स एंड शेयर योर थॉट्स। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। महेंद्र जी, आपको खास सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। संगीता जी, डिंपल, विशाल, श्वेतल, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, ये जो हम लोग यूनिवर्सिटी में जैनिज्म पढ़ाते हैं और खास करके द्रव्य की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, रत्नत्रयी की बात करते हैं, वगैरह वगैरह बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि हाउ टू अप्लाई the concept or the principles of Jain philosophy or Jain thought in our day-to-day life is all the time missing, either in our mandir mein, ya to derasar mein, ya to hamari paathshala mein, ya to kaha jaya to koi jagah pe bhi academic education hota hai, yahan bhi ye part missing hai. Jaise ki Jain dharma ke siddhant hamare management ke andar bhi important hai, हमारे पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे डे टू डे लाइफ और रिलेशनशिप में भी इतने इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि भाई जैन धर्म के जो भी प्रिंसिपल्स है वो हमारे जीवन के अंदर कैसे उपयोगी बने, इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने बनाया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, तो शब्द नहीं कहूंगा, बट यस, संगीता जी एंड हर टीम हैज रियली कंसिस्टेंटली यू नो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। दिस टाइम वी आर डूइंग ऑन सेकंड संडे बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द स्पीकर, बट फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के बारे में एक ही मिनट बोलूंगा, ऐसे तो हम डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से
काफी चीजें जानने वाले हैं, लेकिन देखिए यूजुअली हमारे हमारे समाज में क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा घर हम दे दे, उसको एक उसकी शादी बराबर एक अच्छी जगह पे हो जाए, और थोड़ा बिजनेस अगर अपना है तो उसको वो पास ऑन करे, ऐसी हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन एक देखिए जैसे डिम्पल ने बहुत बढ़िया चीज बताई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम, रिसोर्स डिप्लीशन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, एंड एट सेम टाइम वी हैव नॉट बीन एबल टू कंजर्व दी बायो एटमोस्फियर एंड द एटमोस्फियर इटसेल्फ। तो ये हमारे बच्चे को हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि भाई देखिए बिजनेस तो करना है, आगे तो बढ़ना ही है, विज्ञान भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम क्या दे पाएंगे, और बहुत सी चीज देने की जरूरत है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जल्दी होने वाली चीज नहीं है खास करके हमारे देश में, लेकिन ये एक चीज बहुत पक्की है कि नाउ द ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ पीपल है यू नो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई ये विज्ञान की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और इस कोशिश के अंदर आज हमारे साथ एक बहुत बड़े दिग्गज जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो जैन है, और काफी समाज में उसकी लोकप्रियता है, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कमाया है, मेरा उसके साथ डॉक्टर साहब महेंद्र जी के साथ जो भी मेरा जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ, आई एम डिलाइटेड टू से दैट ही इज वन ऑफ द जैम, एंड आई रिक्वेस्ट संगीता जी टू इंट्रोड्यूस सच अ वंडरफुल डिग्निटरी हु इज ओवर हियर टुडे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस such a dignitary on today's session. Actually, I mean, even before introduction, let me ask this question. What do we all think? Can growth and environment sustainability go hand in hand? Kya vikas aur paryavaran sanrakshan dono saath saath mein ho sakta hai? In fact, isi hafte ke World Economic Forum ki report ne bataya ki we human beings are consuming lot more resources than what we can produce. US, United States, jo ki sabse bada desh hai in terms of GDP, is consuming 5 times more resources than what it is producing in a year. And there are similar numbers for a lot of other countries. I mean, imagine yadi hum itna consume karenge to hamari aane wali peedhi ke liye kya bachega? Yadi if we want to live, if we want to leave a future, a good future for our next generation, we don't have a choice but to adopt clean, green, and sustainable development. Development to rahega, but it has to be clean, green, and sustainable development. Kya hai clean, green, or sustainable development? Aaj ke hamare jo vakta hai, wo sirf clean, green, or sustainable development ki vakalat hi nahi karte, unhone implement kiya hai. Unhone implement kiya hai ise multiple level par. In fact, unki business philosophy hai ki clean and green is not just sustainable, but is also profitable. So, aaj ke hamare vakta, leading industrialist and a leading environmentalist, I must say, Shri Mahendra Singhi ji, Dalmia Cement, jo ki ek Bharat aur Vishwa ki bhi sabse badi, one of the biggest cement manufacturing company hai, unke managing director hai. Dalmia Cement has been recognized as low carbon economy transition by CDP, and the company has been appreciated by none other than UN General on climate innovation. So Mahendra Singh ji ke netrutva mein the company has achieved one of the lowest carbon footprint amongst all the cement manufacturing companies in the world. I mean, lowest carbon footprint means kam se kam पर्यावरण को प्रदूषण करना. महेंद्र सिंह जी हैज गॉट मेनी मोर एक्लेट्स टू हिज क्रेडिट. ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइमेट डिफेंडर बाय बीबीसी वर्ल्ड. ही इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज कार्बन प्राइसिंग चैंपियन बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ही इज आल्सो वन ऑफ द COP26 बिजनेस लीडर्स व्हिच इज एन यूएन COP26 प्रेसिडेंसी. एज यू कैन सी ऑल ऑफ दीज आर
not Indian organizations. These are global organizations, and global organizations that are in the forefront of climate change related initiatives. Mahendra Singh ji, Energy Transition Commission London ke commissioner hai. Uske alawa ve Global Cement and Concrete Association London and World Cement Association ke director bhi hai. Frankly, the list of his achievement is so long, I can just go on and on. But without much ado, I would humbly request Shri Mahendra Singh ji to share his thoughts, ideas, wisdoms, and how we can do our bit to protect the climate. The stage is all yours, sir. We're really honored to have you here, sir. हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ में हैं और हम लोगों के अपने इनसाइट्स शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. सादर जय जयेंद्र सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन दोषी जी को और संगीता जी को कि जिन्होंने मुझे आज इस तरह का मौका दिया कि मैं अपने ही लोगों के साथ में बात करूं, और खासकर इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे. मैं विश्व में कई जगह बातें करता हूँ, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बातें होती है, लेकिन आज इस जैन समाज में भी इस तरह की हम बात करके हम कैसे अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर भी रहे हैं, पर इससे ज्यादा और इतना अच्छा काम कर सकते हैं. डॉक्टर विपिन दोषी जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक जैन फिलोसफी को एक अप्लाइड जर्नलिज्म के रूप में कैसे समझाया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. और जो डॉक्टर श्रीमती संगीता जी हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम को अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आप सब लोगों का एक डिवोशन है कि हम खुद तो अच्छे हो ही हो, पर समाज कैसे अच्छा हो, विश्व कैसे अच्छा हो, और वो भी हम अपने भगवान महावीर भगवान के आदेशों को, उनकी जो उपदेश है, उनको कैसे समझे. और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज सभी अपने साथियों के बीच में एक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन. तो क्लाइमेट प्रोटेक्शन सिर्फ क्लाइमेट प्रोटेक्शन नहीं है, बेसिकली एक ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शन है. पर चूंकि एक क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने से हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं, और अगर हमने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली जिस तरह का ह्यूमैनिटी का एक नुकसान हो सकता है, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो आज मैं पहले एक बार कोशिश करता हूं कि सबसे ये बात करूं कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, क्यों हम क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और फिर इसका आगे बात करूंगा कि जैन फिलोसॉफी क्या है, कैसे वो इसको सपोर्ट करती है, और इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है. हम सबको पता है कि आज जो इतना बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है, जो हर तरह से कोई भी बात कर रहा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज आ रहा है एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, बायोडाइवर्सिटी लॉस से, और उसके कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये भी पता चलेगा कि हमें क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कैसे करना है. इसके लिए मैं बताऊं कि क्लाइमेट चेंज उसको कहते हैं जिससे कि जो मौसम में बदलाव आता है, और मौसम में बदलाव आता है टेम्परेचर में बदलाव आने से, विंड के पैटर्न्स में चेंज आने से, और कई ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से कई दशकों तक उसका चेंज आता है. और जब हम कहते हैं कि हाँ अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में इंपैक्ट आ रहा है, और इसका एक मेजर रीजन होता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि थोड़ा बहुत हर व्यक्ति समझता होगा, लेकिन मैं सोचा हूँ एक सिंपल वे में मैं बता दूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम उसको कह रहे हैं कि जिससे कि एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. और वो क्यों बढ़ता है, वो बढ़ता है मेनली बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. और उन ग्रीन हाउस गैसेस में दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन. और जब इनका कंसंट्रेशन पूरे ग्लोब में बढ़ता जाता है तो उससे टेम्परेचर और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है. और ये क्यों बढ़ता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ता है इन दो गैसेस से, तो इसका हम ये समझें कि जब
पूरा जो अर्थ है उस पे ब्लैंकेट है गैसेस की, और वो जब गैसेस के जो ब्लैंकेट है वो अगर बिल्कुल एक जैसे लाइट रहती है तो उसमें से कुछ जो गैसेस हैं वो अर्थ के पास में रह जाती है और कुछ स्काई में चली जाती है, लेकिन जब जब ये गैसेस बढ़ने लग जाती है तो वो ब्लैंकेट जो है वो एक थिक हो जाता है, और उसके कारण से वो थिकनेस के कारण से जो गैसेस है वो ऊपर नहीं जा पा रही है, वो स्काई में नहीं जा पा रही है, वो नीचे ही रह पा रही है, और उसके कारण से हम देखते हैं कि धीरे 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 पूरे विश्व में अगर हम 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे वो जो गैसेस हैं वो एक अपना इंपैक्ट पूरे संसार में डाल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जो गैसेस हैं इनको हम कैसे समझें और इनका उपाय क्या है, इनको कर कैसे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग उससे हो रही है कि जैसे कि गैसे स्काई में नहीं जा पा रही है और वो जो है नीचे के नीचे रह रही है। अब जो मेन जो दो गैसेस हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है वो कहाँ से आ रही है, तो इनका जो मेजर मेजर जो इनका सोर्स है वो है हम जब कोयला जलाते हैं, खासकर ऑयल जलाते हैं, गैस यूज करते हैं, तो जब हम गैस और कोयला को यूज करते हैं पर्टिकुलरली हम कोई भी काम के लिए, तो उसके कारण से ज्यादा CO2 गैसेस निकलती है, और ये CO2 गैसेस हैं ये हम जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं कोयले को तो निकलती है, या और भी कई तरह से ये निकलती है। तो हमें सोचना होगा कि इन गैसेस के निकलने से अभी हुआ क्या है। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि पास 70 ईयर्स में जो CO2 का जो कंसंट्रेशन हुआ है वो करीबन 24% से बढ़ गया है। पहले आज से अगर 70-80 साल के पहले का अगर देखें तो करीबन ग्लोब में 330 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एयर रहते थे, जिसको हम कहते हैं कितने पार्टिकल्स रहते थे पर मिलियन ऑफ एयर में, और वो 330 बढ़ के अभी 410 के आसपास आ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि जो ब्लैंकेट है वो थिक से थिक होती जा रही है, और इसके कारण से आप देखेंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको एक स्लाइड बताऊं आपको कि पिछले आठ लाख सालों में ये टेम्परेचर कैसे बढ़ा है, ये जो CO2 है ये कैसे बढ़ा है, तो आपको लगेगा कि ये तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो जब बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या करें। आप देखेंगे कि 1906 से 2005 तक जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है, और इसके कारण से 1970 से जो ग्लोबल वार्मिंग है काफी बढ़ गई है। 2015 से भी अगर हम देखें तो करीबन 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से बढ़ गया है, और अगर हम देखें कि हमारे सबसे गर्म साल कौन से रहे तो पिछले 17 सालों में 16 साल ऐसे हैं कि जो सबसे गर्म रहे हैं। तो अब ये है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन CO2 इज इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोयला है, गैस है, ऑयल है, उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं तो होता है, हम कार्स है, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसके लिए होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके लिए होता है। दूसरा एक जो बड़ा रीजन हो रहा है कि ये CO2 बढ़ रही है वो है रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। जैसे जैसे हमारे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो जो CO2 एब्जॉर्ब करके वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा, और अभी जब जगह जगह फॉरेस्ट कटता जा रहा है तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। और थर्ड एक मेजर और रीजन है वो है नॉन वेज फूड। जैसे जैसे मीट और मीट प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसके कारण से CO2, उसके कारण से मीथेन है वो बहुत बढ़ रही है, और इन सबको देखने के लिए हमें अब ये देखना है कि आज 100 सालों में अब और आगे क्या हो सकता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी CO2 निकलती है, जो भी मीथेन निकलती है, वो पूरे
विश्व में पूरे ग्लोब में करीबन 100 साल तक रहती है, करीबन 100 साल तक वो गैस रहती है। तो इस गैस का आज इम्पैक्ट आज नहीं देखने को मिलेगा, ये 5 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल तक भी मिलेगा। इसलिए हम सबको ये उस समय देखना होगा कि जो भी CO2 निकलती है उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आप ये इस साइड में देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि कैसे इस CO2 के इम्पैक्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे निकलती है। और एक और मैं फिर आपको बात बताना चाह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको शॉर्ट में बोलते हैं IPCC, और वो करीबन 97 से अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। और उन रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि आने वाला समय कैसा आने वाला है, आने वाला ग्लोबल वार्मिंग है कैसे होने वाला है। ये IPCC बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें करीबन 2500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, और ये अपनी रिपोर्ट हर 5 साल 7 साल में बनाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम जैसे आज बिहेव कर रहे हैं, जैसे आज एक्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहे तो करीबन 100 साल में 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये जब बढ़ता है तो क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें यही समझना बहुत जरूरी है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा। और जब टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो समुद्र हैं वो वार्म अप हो जाएंगे, वहां से पानी उड़ेगा, जो ग्लेशियर्स हैं, आइस ग्लेशियर्स हैं, वो जब श्रिंक होने लग जाएंगे तो उनका जो पानी है वो समुद्र में आएगा, और उसके कारण से जो ग्लोबल सी लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। और इनके बढ़ने से तरह तरह के मौसम में बदलाव आएगा, और उसके कारण से कई तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। और इस तरह की ऐसी रिपोर्ट में ये बताया गया है, और मैं आपके सामने कुछ फिगर्स बताऊंगा, इसको आपको लगेगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उसमें बताया है कि करीबन 390 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस से तकलीफ पाएंगे, करीबन 780 करोड़ लोग जो है वो हीट वेयर लूप के कारण से तकलीफ आएगी, करीबन 180 करोड़ जो लोग हैं वो जो क्रॉप्स कम हो जाएगी, क्रॉप्स नहीं होगी उसके कारण से उन पे इंपैक्ट आएगा, और जो 130 करोड़ के आसपास के जो लोग हैं वो जब लैंड डिग्रेड हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो उसके कारण से उन पे इंपैक्ट आएगा। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा, करीबन 50% ऑफ द प्लांट एनिमल जो है वो सारे खत्म हो सकते हैं इन अगले आने वाले 100 सालों में। और बहुत से जो एनिमल्स हैं, बहुत से प्लांट हैं ऐसी सीवियर कंडीशन में वो सह नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और इन सब का हम सब पे, ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। नंबर उन्होंने भी नहीं बताया राइटली, बट देन करोड्स ऑफ पीपल विल डाई ड्यू टू हीट वेव्स, फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। और ये जो है, जैसे हमने अभी देखा एक छोटे से कोरोना ने हमें तकलीफ इतनी दे दी, तो ये जब इस तरह की तकलीफें आएगी तो इस तरह के पेंडेमिक बहुत बड़े वे में आने वाले हैं, बहुत बड़े वे में आने वाले हैं, और हमें सोचना होगा कि हम क्या करें। और इसीलिए आज हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने वाले हैं वो है जो लो लाइंग एंड कोस्टल एरियाज, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 67 सेंटीमीटर जो है ये आने वाले समय में अगर 4.8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 67 सेंटीमीटर जो है वो सी लेवल बढ़ जाएगा। और जब सी लेवल उतना बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सिटी, हर एरिया, हर कंट्री जो लो लेवल पे है सी के साथ में, उनका क्या होने वाला है। तो इसके लिए पूरे संसार में काफी बातचीत हो रही है। और उसमें मैं बताऊं आपको कि जब ये सिचुएशन और खराब होती जा रही है और जब IPCC ने इस तरह की रिपोर्ट बनाई, तब करीबन 197 कंट्रीज ने इकट्ठा होकर ये सोचना चालू किया। कई सालों से चल रहा है बातचीत, फर्स्ट बातचीत चालू हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से 1997 से, और बाद में ये जो पेरिस के अंदर एक 2015 में एक इस तरह का 197 कंट्रीज ने एक कार्यक्रम बनाया, एक एग्रीमेंट किया उसके बाद में कि हम इस तरह के एक्शंस लें
जिससे कि हम इस टेम्परेचर जो 4.8 बढ़ सकता है उसको 1.5 टू 2 डिग्री तक का लिमिट करें। दो इससे भी तकलीफें आएगी, पर अभी तक जो सोच है वो ये है कि हम इस टेम्परेचर को 1.2 से 2 डिग्री तक लिमिट कैसे करें। इवन जब ये 1.5 भी आ जाएगा तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं, और उसमें भी करीबन 11% ऑफ द ग्लोबल लैंड है वो इनसे इम्पेक्ट होगी। और अगर वो 1.5 जो है 2 डिग्री बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि करीबन डबल जो एरिया है वो रिस्क में आ जाएगा। आज पूरे विश्व में सोच यही है क्या किया जाए इसको कैसे रोका जाए। एक जो एक अच्छी बात जो हो रही है कि जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ये कॉल दिया कि हमें 2050 तक इस स्थिति को कंट्रोल में लाना है, 2050 तक हमें ऐसा लग जाना चाहिए कि जो अर्थ का टेम्परेचर है 1.5 टू 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसमें हर देश ने सोचना चालू किया, काम करना चालू किया, अनथिंकेबल को थिंकेबल बनाना चालू किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चालू किया। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हम एक नेट जीरो इकोनॉमी की बात करें, और नेट जीरो इकोनॉमी वो होती है कि जिसमें हम इस तरह के काम करेंगे कि जिसमें अल्टीमेटली जो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होगी। बहुत कई सालों से इस पे गंभीर बातचीत हो रही है, गंभीर काम हो रहे हैं, और अब आपको जान के खुशी होगी कि करीबन 65% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड, 65% GDP ऑफ द वर्ल्ड दे हैव कमिटेड इन वन वे और अदर दैट वी वुड टेक ऑल दोज एक्शंस बाय विच वी कैन ब्रिंग डाउन CO2 emissions, methane emissions, and can be net zero by 2050. और खुशी की बात है कि इसमें अमेरिका ने भी वापस ज्वाइन कर लिया, कमिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, उन्होंने भी कर दिया, और चाइना ने जरूरी कहा है कि 2050 की जगह मैं 2060 तक करूंगा। पर बड़ी बात यह है कि हर कंट्री, हर उस कंट्री के जो सेक्टर्स हैं वो सब सोच रहे हैं कि हम इसको ठीक कैसे करें। और जब हम ये इस तरह की बात आ गई है तो सबने ये देखा है कि इसमें अब एक्शंस लेने चाहिए, और मुझे ये लगता है कि अगर ये एक्शंस नहीं लिए गए तो आज हमारे जो एक्शंस हैं उससे क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि आज हम तो पहले सोचते होंगे कि मैंने कुछ काम किया जैसे CO2 निकल गई, और लगता नहीं है कि इससे हिंसा हो रही है, इससे वॉयलेंस हो रहा है, पर इसका इंपैक्ट 5 साल बाद में, 25 साल बाद में, 50 साल बाद में जरूर आएगा, और वो जब आता है तब डेफिनेटली इसका इंपैक्ट ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इन सब पे आएगा। इसलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए, और खासकर जब हम जैन की बात, फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि आज जो भी मैं कोई अगर CO2 एटमोसफेयर में डाल रहा हूं तो शायद उससे कभी ना कभी हिंसा हो सकती है। हम लोग सब जो जैन हैं, जैन फिलोसफी को मानते हैं, हम सबको पता है कि हमें महावीर भगवान ने क्या उपदेश दिए, हमारे 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने हमें क्या उपदेश दिए, और उनमें सबसे बड़ा उपदेश जो मैं मानता हूँ वो भगवान महावीर का है, अहिंसा। और अहिंसा की हम जब बात करते हैं तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ को औरों के साथ में जीना चाहिए। और बड़ी बात तो यह है कि आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर ने ये सब देख लिया था, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, केवल ज्ञानी थे, तो उनको पता था कि हर काल में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। इसलिए उन्होंने 2600 साल पहले पर्यावरण की रक्षा का हमें मंत्र दिया, अहिंसा का मंत्र दिया, अपरिग्रह का मंत्र दिया। और मैं जस्ट कुछ दो जो श्लोक है वो आपको एक बताना चाहूंगा, तो जो इन सब बातों को बता रहा है वो है, सवे पाणा पियाऊया सुहसाया दुख पड़ी कला, अपियवहा पिय जीविणी जीव उकामा सविसिम जीव्य पियम। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं, सबको सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, हिंसा सभी को बुरी लगती है, जीना सबको प्यारा लगता है, सभी जीव जीवित रहना पसंद करते हैं और सबको जीवन प्रिय है। इसलिए कहा है,
नैवाज्य किंचन, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो साथियों, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम फ्यूचर का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि आज हम सब लोग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमें देखना होगा कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखें, उसके लिए हम कैसे एक्शन ले रहे हैं। और जब हम सोचना चालू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ से कुछ रास्ता जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और मैं अगर एक मिनट के लिए यहाँ पे रुकूं और सोचूं कि मैंने क्या किया, मैं कैसे इस चीजों से प्रभावित हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं करीबन 43 इयर्स से सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंटेड हूं। और जब मैं सीमेंटेड हूं तो मैं सीमेंट के बारे में ही सोचता रहा। और जब आज ऐसा समय आया जब 99 में, कि जब मुझे करीबन 21 साल हो गए थे सीमेंट इंडस्ट्री में, कि मुझे एक मौका मिला CIA डेलीगेशन में अमेरिका जाने का US गवर्नमेंट की सहायता से। और उसमें ये बताया गया उस समय, क्योंकि उस समय क्लाइमेट चेंज की बातें, ग्लोबल वार्मिंग की बातें चालू हो चुकी थी, तो उस समय बताया गया कि कैसे एक ग्लोबल वार्मिंग आएगी, इसके क्या क्या नेगेटिव्स हैं। और जब उन्होंने बताया, और खासकर जब हमारी मीटिंग जो US के पास्ट वाइस प्रेसिडेंट अल गोर है उनसे व्हाइट हाउस में हुई, मैं मिसेस सिंगी और कई CIA के डेलीगेट्स थे, और बाद में हम कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में गए, तब हमें पता चला कि एक ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, पर इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पर एक और बात भी पता चली कि अगर हम इस पर अपना एक्शन ले लें तो शायद हम उसको एक अपने खुद के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं उस समय श्री सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वहां हमने एक क्लाइमेट चेंज के बारे में अपनी पॉलिसी बना के अपने काम किए। और आपको खुशी होगी कि हमने सीमेंट को भी इस तरह से बनाना चालू किया जिससे उसमें कम से कम CO2 एमिशन हो, क्योंकि शायद बहुतों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है वो करीबन 7-8% CO2 एमिशन करता है पूरे वर्ल्ड का। और उस CO2 एमिशन को कम करने के लिए हर सीमेंट कंपनी अपना काम कर सकती है, अपना योगदान कर सकती है। तो उसको देख के हमने सोचा क्यों नहीं हम इस काम को चालू करें। हमने बहुत वहां काम किए, उसके कारण से हम जो पावर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होता है फ्लाई एस, उसको यूज करना चालू किया। उसके साथ साथ में हमने ये भी काम चालू किया कि कैसे कम से कम ऊर्जा में हम सीमेंट बना सके। और एक ये फिलोसफी थी, यूज लेस प्रोड्यूस मोर, भले ही वो बिजली हो, भले ही वो कोयला हो, भले ही वो पानी हो। तो धीरे धीरे उन कामों पे जब चालू किया तो हमें लगा कि हम एक विश्व में एक बहुत अच्छी सीमेंट कंपनी की श्रेणी में आ गए। और उसके साथ साथ में 99 में जब ये भी पता चला था कि एक इस तरह का एक इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग का एक मैकेनिज्म आया है कि जिसमें अगर आप अपने जगह कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना के CO2 कम करते हैं तो वो जो कम की हुई CO2 होती है आप उसको बेच सकते हैं। तो हमने वो भी प्रोजेक्ट बनाया। और 2006-08 में जो सी सीमेंट है उस समय वो विश्व की सीमेंट सेक्टर में पहली कंपनी बन गई जिसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया। और जो CO2 बची उसको हम लोगों ने बाजार में बेच के करीबन उस समय 2009 से 2012 में करीबन 43 करोड़ कमाए। और इन सब काम को देखते हुए उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने श्री सीमेंट को न्यू सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का भी दर्जा दिया। खाली 10 कंपनियों को उस समय दर्जा दिया था, हर तरह की क्षेत्र की कंपनियों में उसमें वो भी था। कारण ये था कि हम लोगों ने एक अच्छी फिलोसफी को बना लिया था और वो काम आगे चलता रहा। और मुझे खुशी है कि बांगड़ जी के नेतृत्व में श्री सीमेंट की टीम के साथ में हम वो काम कर पाए और मुझे भी उसमें बहुत सीखने को मिला। और वही सीख जब मैं डालमिया सीमेंट में ज्वाइन किया तो मुझे एक बहुत ही प्रगति वाले, बहुत ही फ्यूचर विजन वाले पुनीत डालमिया जी मिले। और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का एक वातावरण करना है कि जिसमें हम पूरे समाज के बारे में देख सकें, हर स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर सकें और एनवायरमेंट को कैसे ठीक कर सकें। इसलिए हम लोगों ने उस समय सबको बताना चाहूंगा कि एक विजन बनाई कि हम कैसे लीडर बने बिल्डिंग मटेरियल्स में
और हम हर स्टेक होल्डर को कैसे प्राइड दें बाय यूजिंग इनोवेशन, बाय यूजिंग सस्टेनेबिलिटी, बाय यूजिंग वैल्यूज एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी। और इन सबको मैं आपको बताऊं कि उसके कारण से हमने एक बिजनेस फिलोसफी क्रिएट हो गई जो संगीता जी ने भी पहले बताई थी। नहीं, अनम्यूटिंग करना। एक क्लीन एंड ग्रीन इज प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। हम अपने आप को भी बताना चाह रहे थे और विश्व को बताना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि जब आप अच्छा काम करने जाते हैं, एनवायरमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हमने बताया कि प्रॉफिटेबल है और ये सस्टेनेबल भी है। और इसको देखते हुए हम 2018 में विश्व में सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाली सीमेंट कंपनी बन गए। और उस समय हमें लगा कि हमें कुछ और आगे बढ़ना चाहिए और कुछ आगे सोचना चाहिए। और उसी सोच के साथ में आप देखेंगे कि हम लोग जो है एक बहुत बड़ा सोच ला पाए। मुझे याद है आज भी कि सितंबर 2018 में मैं जब पॉल्यूशन के समय में समेत सिकर जी में हमारे आदरणीय साध्वी जी चंद्र महाराज जी के पास में मैं चंदा प्रतिभा रिखब पॉल्यूशन कर रहे थे, तो उस समय मुझे वहां से सैन फ्रांसिस्को जाना हुआ। और उस समय साध्वी जी ने पूरा आशीर्वाद दिया कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ उसमें आगे बहुत बढ़ेंगे। तो मैंने जाके 2018 में ये अनाउंस किया कि हम डालमिया सीमेंट पूरा कार्बन निगेटिव हो जाएगा 2040 तक। लोग बाग उस समय हंस रहे थे कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन जब हमने उनको बताया कि आज हमने पहले से भी अच्छा काम किया है और आगे से भी हम अच्छा काम करके हम आप देखेंगे स्क्रीन पे एक फुटप्रिंट्स बताया हमने उनको कि कैसे हर साल, हर 5 साल, हर 10 साल में हम धीरे धीरे अच्छे काम करके इस कार्बन फुटप्रिंट्स को नीचे लाएंगे। एक ये बहुत बड़ा सोच था पूरे, क्योंकि उस समय डालमिया सीमेंट पूरे संसार में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सोच दिया, जिसने ये कम्युनिकेट किया कि ये भी पॉसिबल है। और हमने कुछ ऐसे लीवर्स बताए, ऐसे काम बताए कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे थर्मल एनर्जी से, 2035 तक हम कोयला पूरा बंद कर देंगे, हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। क्योंकि सीमेंट में एक होता है कि जब हम सीमेंट बनाना चाहते करते हैं तो लाइमस्टोन जलाना पड़ता है, और लाइमस्टोन से जलाते हैं तो डीकार्बोनाइजेशन के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमने कहा कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे उस समय एक जस्ट हवा में बात थी, दिमाग में बात थी, पर आज धीरे धीरे वो चीज प्रैक्टिकल हो रही है। और उसी को देखते हुए आज यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में हम लोगों को इनवाइट किया कि जहां 70 के आसपास नेशनल हेड्स अपनी बात कह रहे थे कि वो अपनी कंट्री के बारे में क्या करेंगे। उस समय सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, एक स्टील कंपनी थी SSAB स्वीडन की और एक सीमेंट कंपनी थी डालमिया सीमेंट। और मैं वहां पे जाके वापस एक बार रीट्रेट कर पाया कि हम पूरा इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे कि सीमेंट जो है वो कार्बन लेस हो जाए। और ये जब हम कर रहे हैं तो इसमें दूसरों को भी मौका मिलेगा इस तरह के काम करने का। और चूंकि मैंने देखा था 2016 में कि जब जॉन कैरी आए थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया तो उन्होंने अपने लैब पे अपनी ग्रांड डॉटर को बिठाया जो 6 साल की थी, और उसने उन्होंने कहा कि मैं ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तुम्हारे लिए साइन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए फ्यूचर मुझे अच्छा करना है। तो उसी तरह मैं भी यूएन से ये बात कह पाया कि मैंने नविया, नाइशा, निवान इनको एक वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए भी इस तरह का अच्छा काम करूंगा जिससे कि मैं एक विश्व को एक अच्छी राह बता सकूं डालमिया सीमेंट जैसे। और वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। धीरे धीरे कई कंपनियां जो हैं अब इसको फॉलो करने लग गई है और इस तरह से आगे काम बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते हुए जैसे संगीता जी ने बताया, हमें क्लाइमेट डिफेंडर माना लोगों ने, हमें COP26 का 1 of the 16 बिजनेस लीडर माना, हमें 1 of the 2 कार्बन प्राइजिंग चैंपियन माना वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये
जो भी हम अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आगे अच्छा होने ही वाला है। इंपॉर्टेंट है कि हम सबके लिए कैसे सोच सकें, सिर्फ आपके लिए नहीं सोचें। जब एक लार्जर पर्पस होगा तो डेफिनेटली मौका मिलेगा ही मिलेगा। और आज पूरा विश्व इस तरह की बात कर रहा है कि हम और क्या करें जिससे कि हम अपने आप को और आगे बढ़ा सकें। तो ये तो मैंने अब एक अपनी कंपनी की अपनी बात बताई। अब मैं कहूंगा कि एज ए पार्ट ऑफ जैन, जो हम भगवान महावीर के चेले हैं, जिनकी बातें हम मानते हैं, वो हम क्या करें और उसको हम कैसे आगे ले जाएं, कैसे इस तरह के स्टेप्स लें हम, जिससे कि हम अपने आप को मान सकें कि हाँ, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में काम किया है, मैंने कम से कम वस्तुएं इकट्ठी करने में काम किया है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। तो डेफिनेटली बहुत से जो एक्शंस हैं, एक इंडिविजुअल ले सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, समाज ले सकता है और साथ ही साथ में पूरा देश भी ले सकता है। तो आप देखेंगे कि एज एन इंडिविजुअल हम इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे कि कोई भी काम में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कम हो। तो ये सोच हम में लाना होगा और ये सोच के साथ में हमें इस तरह का एक माहौल बनाना होगा कि ये बहुत जरूरी है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को समझें। आपको जान के खुशी होगी कि अब धीरे धीरे इस तरह के कैलकुलेटर्स आ गए हैं जिससे कि हमारी हर एक्टिविटी से हम जान सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है, कितने हैं, किस ट्रेंड से बढ़ रहे हैं, किस ट्रेंड से घट रहे हैं। और जब हम अगर उसको देखने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इसमें सोच आएगा कि शायद मैं भी इसमें कम करूं, और वो आएगा क्योंकि हर जगह मैंने यही देखा है कि सोच सबसे बड़ा काम करेगा। इसलिए मैं तो बहुत उस फिलोसफी का एक मानने वाला हूं, इम्प्लीमेंट करने वाला हूं कि जो सोचे वो पावे, और हमने सोचा, हमने पाया भी। और मैं ये कहूंगा आप भी सब ये सोचिए, आप लोग भी पाएंगे। और आप देखें कि हमें अब एक्शंस क्या लेने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो है फूड का। वैसे तो पूरा जैन समाज इसमें बहुत आगे है क्योंकि सब लोग जो है वो वेजिटेरियन है, कुछ लोग वेगन भी होंगे पर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेज फूड है वो बहुत ज्यादा CO2 निकालता है, बहुत ज्यादा मीथेन निकालता है। तो उसके लिए हम इसको क्या करें। और आप देखेंगे कि IPCC की भी जो रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड जो है उसमें 76% जो लोग हैं वो अभी नॉन वेजिटेरियन हैं। इसमें इनको कैसे प्लांट बेस्ड डाइट्स में लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा एक स्टडी है कि अगर पूरे संसार के लोग नॉन वेज से वेज बन जावे तो करीबन 8000 मिलियन टन पर एनम CO2 कम हो सकती है। आप इस स्लाइड में देखेंगे कि 8000 मिलियन टन जो है CO2 पर एनम कम हो सकती है। और ये जो CO2 है, ये अगर पूरे वर्ल्ड की हम CO2 माने सीमेंट की, तो ये करीबन 4 times है। तो ये धीरे धीरे इसमें बदलाव लाना होगा। और जब ये बदलाव आता है तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा एक सुधार और बहुत बड़ा एक टेम्परेचर में कम जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा एक बदलाव आएगा, थोड़ा सा फॉल्ट आएगा। मैं आपको बताऊं कि इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जब मैं UN में था 2016 में और 2019 में, तो जो वर्ल्ड लीडर्स को जो लंच सर्व किया गया उस समय वो पूरा वेज था। वो एक शुरुआत थी कि हमें इसमें करना है। और अभी जो COP26 की मीटिंग हो रही है जिसमें करीबन 30,000 से ज्यादा लोग ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें भी आज मैंने न्यूज में पढ़ा कि वहां एक डिसीजन ले लिया है कि वर्ल्ड लीडर्स के लिए सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। और दूसरा, जो कैटरर ने भी ये अनाउंस किया कि जो भी लोकली फ्रूट्स मिलते हैं, जो लोकल फूड मिलता है, मैं उसी को यूज करूंगा, बाहर से नहीं लाऊंगा, क्योंकि बाहर से लाने से फ्लाइट से आएंगे तो फिर CO2 निकलेगी। तो उस तरह से एक बात आगे बढ़ रही है और हम जैन फिलोसफी में ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, पर हमें कोशिश करनी होगी कि हम औरों को भी इसमें कैसे लाएं। दूसरी जो बहुत बड़ी बात हमें करनी होगी वो है इलेक्ट्रिसिटी की।
इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा धुआं उड़ाती है, सबसे ज्यादा CO2 निकालती है, तो इसको करने के लिए हम क्या करें? एक तो है जितनी हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, कॉन्शियसली हम इस पर काम करें, तो शायद वो फर्क पड़ जाएगा और उससे पैसा भी बचेगा, बिजली भी बचेगी और CO2 भी बचेगी। और दूसरा यह है कि क्या हम इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करें जो 5-star हो, जो जिसमें कि सबसे कम बिजली की खपत होती है, तो उसको हम यूज करना चालू करें, LED लाइट्स यूज करना चालू करें। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा, अब जो जमाना है वो है सोलर पावर का, तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे छत है हमारे पास में, तो हम कैसे अपनी छत में सोलर पावर लगाएं। अगर हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, तो इस इंडस्ट्री के लिए हम कैसे सोलर पावर को यूज करें, क्योंकि आने वाले कल में अब ये सोलर पावर थर्मल पावर से सस्ती हो रही है। और आज अगर हम घर में लगाते हैं तो इसका जो पे बैक पीरियड है वो सिर्फ 5-7 साल का है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि सोलर पावर अपने लगाने के बारे में जरूर सोचे। उसी तरह एक और जो नया काम हम एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं कि जब हम अपने घर बनाए तो उस घरों में कैसे एक सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल लगाएं, एक क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल लगाएं जिसमें ग्रीन सीमेंट हो सकती है। ग्रीन सीमेंट वो है जिसमें कम से कम CO2 निकलती है। दूसरा है हम कैसे फ्लाइएस के कंक्रीट ब्लॉक यूज करें। तीसरा ये है कि हम 3D प्रिंटिंग जो आप आने वाले कल में आने वाली है, जिससे कि मटेरियल का यूसेज कम होता है, वो यूज करें। फोर्थ ये होगा कि हम अपने घरों की डिजाइन अब ऐसे करें। ये बहुत बड़ा एक मुहिम पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि हम कैसे इस तरह की घर बनाएं जिसमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो और उसके लिए प्रॉपर लाइट आए, प्रॉपर एयर आए और वो प्रॉपरली पर्टिकुलर यूरोपियन वर्ल्ड के लिए प्रॉपरली इंसुलेटेड हो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। और मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं कि जो बोलते हैं कि नेट जीरो पावर कंजम्पशन हाउस, क्योंकि उसके अंदर जो है कि वो पूरे इंसुलेटेड भी बहुत अच्छी तरह से है और लाइट और एयर भी काफी तरह से आती करती है। तो इस तरह से एक नेट जीरो कार्बन होम्स भी धीरे धीरे बनने लगेंगे और हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके साथ जो है हम प्लांटेशन का कैसे ध्यान रखें, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करें। हम अपने टेरेस गार्डन में अपने ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं, या ऐसा काम करें कि जिससे कि हम फॉरेस्ट को कम नहीं होने दें। आज हम सबकी ये ड्यूटी है कि आज फॉरेस्ट बढ़े जिससे कि CO2 का एब्जॉर्प्शन हो और एटमॉस्फेयर में कम से कम हो। तो आज हम इन बातों पे अगर हम अपना काम चालू कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, एक हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर पाएंगे। और कुछ और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है पानी के बारे में। पानी पानी है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और वो बहुत सही बात है। तो आज हम अपने जीवन में पानी का बचत का कैसे काम करें, भले वो इंडिविजुअल हो, भले ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो हो। और मैं बताऊं कि डालमिया सीमेंट में हमने इस तरह की मुहिम करीबन 6-7 साल से उठाई थी कि हम जितना भी पानी यूज करते हैं उससे ज्यादा बचाएंगे। तो आज मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं कि हम करीबन 10 times वाटर पॉजिटिव हो गए हैं। अगर हम 1 liter पानी यूज करते हैं तो हम 10 liter पानी अपने आसपास के एरिया में बचाते हैं, जिससे कि सबको उसका फायदा हो। और इन सब करने से हमने क्या देखा कि ये प्रॉफिटेबल भी है और ये सस्टेनेबल भी है, और ये हर एक की लाइफ में ये एप्लीकेबल है। इसलिए हमें इन सब में सोच बहुत लाना होगा, और आज का जमाना यही है कि हम बेटर एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि ना इंडिविजुअल ना ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छा कैसे रहूं या मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छा रहे। हमें सबसे पहले एक बहुत सस्टेनेबल सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, हर स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना होगा। और जब हम वो सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला जो कल है वो अच्छा भी हो सकता है। पर अगर हमने एक्शंस नहीं लिए तो मैंने जैसे पहले बताया उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स बहुत खराब हैं। और आज हम देख भी रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पिछले 2 महीनों में कनाडा में जो टेम्परेचर 48-50 degrees पहुंच गया, कई लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, जगह जगह फॉरेस्ट में आग लग गई, कई लोग मर गए। आज
वेस्ट जर्मनी में, जो वन ऑफ द बेस्ट सिविलियन सोसाइटी है, बेस्ट डेवलप्ड सोसाइटी है, वहां पे इतना फ्लड आ गया, उससे लोग प्रभावित हो गए। तो ये इम्पैक्ट आने चालू हो गए हैं। तो धीरे धीरे इस इम्पैक्ट को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज ए जैन ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो, हमें सोचनी होगी। और मैं एक बार जरूर कहता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, कि हम जो हमारे जो कोई भी साथी जो स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग को कैसे बंद कराया जाए, क्योंकि ये हेल्थ तो खराब करती करती है, पैसा खराब करती करती है, और इसके साथ साथ में ये जो एनवायरमेंट है उसको भी खराब करती है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी और इसी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो स्मोकिंग करे, और अदरवाइज उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में हम सोचें, हम करें, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो बहुत डिफरेंट है, आने वाली टेक्नोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत अनथिंकेबल आने वाला है। आज कोई ये नहीं सोच सकता था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी जल्दी आने लग जाएगी। 2 साल पहले भारत में एक भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बिकती थी, एक्सेप्ट छोटी जो कुछ कारें थी, रेवा कार कुछ था। और अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि जनवरी से जुलाई तक करीबन 1,22,000 कार, इलेक्ट्रिक कार सेल हुई है। और अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2030 के बाद में डीजल और पेट्रोल की कार बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 2030 के बाद में पेट्रोल डीजल की कारें नहीं बनेगी। अमेरिका कह रहा है कि 2030 में उनके यहाँ करीबन 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो अवेयरनेस है। और इंडिया में भी आप देखेंगे कि जब ये ओला स्कूटर ने स्कूटर बुकिंग लॉन्च की, एक ही दिन में 1,00,000 लोगों ने ओला स्कूटर को बुक कराया। इसका मतलब हम लोग भी अब जागरूक हो गए हैं। और इस तरह की और कई जो टेक्निक्स आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, भले वो ग्रीन हाइड्रोजन की हो, कुछ भी हो, हमें उन सबको एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा और एक चेंज के लिए तैयार रहना होगा। हम हैं भी और हम, और आज जैन फिलोसफी के हिसाब से हमें जीव दया का सोचते हुए कि हाँ, मैं आज जो भी कोई CO2 बचाता हूँ वो आगे के लिए ठीक होगी। अगर मैं ज्यादा बढ़ाता हूँ CO2 तो आगे कहीं कहीं से हिंसा होनी है। आज मैं कोई ज्यादा मेटेरियल परचेज करके अपने पास रखता हूँ तो शायद उसको बनाने में जो इतनी CO2 लगी है वो ठीक नहीं है। तो ये सोच से मेरे ख्याल से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी आप सबसे बातचीत करके। और मैं बस यही निवेदन करूंगा कि जो अप्लाइड जर्नलिज्म का जो चालू किया है डॉक्टर विपिन दोषी जी ने और संगीता जी ने, इसको हम चालू रखें, इसकी बातें चालू रखें, क्योंकि जितनी बातें चालू रहेगी उतना ही काम चलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातें करने का मौका दिया, मेरी कंपनी की बातें करने का मौका दिया और विश्व की बातें करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, दिस हैज बीन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल इनसाइट्स। I would request my colleague Vishal ji to take it before over. Sorry sir. Sangeeta, before Vishal comes, I just want to make one comment. If you allow me. Absolutely sir. देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए हम साधु भगवंतों को प्रणाम तो करते हैं, वो हमारे गुरु जी है, हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन जब भी महेंद्र सिंह जी जैसे लोग जब ये आते हैं तो मैं मानता हूँ कि जैन धर्म के बारे में और विश्व कल्याण की जो बात आज हम सोच रहे हैं, जो भगवान महावीर ने कही है, जितना कंट्रीब्यूशन हमारे साधु भगवंत का है उससे कोई भी तरह से कम कंट्रीब्यूशन ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम साधु भगवंत को कोई, लेकिन देखिए ये लोग भी है, वो उतनी ही हमारे जैन धर्म की सेवा कर रहे या तो हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उसका रोल एक बहुत महत्व का है। दूसरा एक पॉइंट मैं कहता हूं और आज सबके सामने जो भी मेरे साथ जुड़े, Why don't we celebrate pollution differently? हम क्यों एक ही बात करते रहे? क्यों हम प्यारे बच्चे को ये नहीं कि भाई पॉल्यूशन के अंदर तू 100 ट्रीज को इम्प्लांटेशन कर, पॉल्यूशन के अंदर तू इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर, पॉल्यूशन के अंदर तू पेट्रोल का यूज कम कर, पॉल्यूशन के अंदर तू पानी का यूज कम कर। Why are we not telling our children to do something which they will accept and which is very practical? And that is what Tirthankar Mahavir has told us. We are not going against religious
एक्टिविटीज एट ऑल और रिचुअल्स एट ऑल, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ द रिचुअल। ठीक है आप उपवास करो नहीं करो, करो तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये सोच यंगस्टर्स पे डालेंगे तो आई थिंक यू नो द टेबल विल टर्न अराउंड। और तीसरी चीज कहना चाहता हूं, महेंद्र जी ने सोलर की बात कही, देखिए हम सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं, ये तो महंगा है, आज की जो हम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उससे थोड़ा महंगा। मैं कहता हूं हम दान कम करें और खर्चे कम करें, लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर थोड़े पैसे हमें ज्यादा देने हैं तो भी हमारी सोसाइटी के अंदर हमें सोलर प्लांट्स डालने चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक कार का यूज करना चाहिए। आज महंगी लगेगी हो सकती है मे बी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप और कुछ बचा लीजिए, अगर और बचाएंगे तो उसके बदले आपको ये खर्च कर सकेंगे, और ये खर्च आपके लिए आप नहीं कर रहे हैं, आपके चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। और महेंद्र जी ने जो एक बहुत बढ़िया बात की कि व्हेन द डिक्लेरेशन वाज टू बी साइंड, अल गोर कीप्स हिज 6 इयर्स ओल्ड चाइल्ड एंड सेइंग कि मैं ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज, थैंक यू महेंद्र जी, विशाल ओवर टू यू। मैं भी एक इसी समय बात कर लूं, जो आपने बातें कही है पॉल्यूशन की डेफिनेटली करना चाहिए, और हम तो एटलीस्ट इस बार इसको फॉलो करेंगे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, भले कोई इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको लगता है कि ये महंगा है, तो वो मेरे से बात कर सकता है, मेरे साथी से बात कर सकता है, हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें जो अपनी जिंदगी 1 साल की 2 साल की नहीं देखनी है, हमें 3 साल 5 साल 10 साल की देखनी है। और दूसरा है खुद के बारे में नहीं सोचना है, औरों के बारे में भी सोचना है। थैंक यू। जय जिनेंद्र महेंद्र जी, एंड आई वुड लाइक टू पिक अप द थ्रेड फ्रॉम वेयर डॉक्टर बिपिन दोषी हैज जस्ट कंक्लूडेड हिज रिमार्क। सर ये जो पर्यावरण की समस्या है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कुछ एग्जांपल दिए, ये सोलार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो विच कैन मिटिगेट द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ यू नो CO2 एमिशन, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न हो रही है, ये सारी समस्याओं का दिस इज आई मीन इट डज नॉट सीम्स टू बी अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज एज सच। हर एक चीज का सोल्यूशन है, पेट्रोल कार का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक कार जो कि काफी समय से प्रचलित है, कोल बेस्ड पावर प्लांट का सब्स्टिट्यूट काफी समय से है, सोलार प्लांट, दिस सीम्स टू बी मोर ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम क्रिएटेड पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पिछले 20वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना हुआ उसके बाद की यह समस्या पैदा हुई है, ट्रिगर्ड थ्रू सम सोशल यू नो इम्बैलेंस, कुछ कहीं ना कहीं उससे उसके तार जुड़े हुए दिखते हैं। नाउ टुडे when we have gathered here from a community of Jain Samaj who consider themselves to be the champion of you know ahimsa and jeev daya, ye hamare moolbhut siddhant hai, to ye pure scene mein pure scenario mein how can we as a community can participate in this mitigation initiative, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत कुछ है पर मे बी यू नो एज ए कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं। डू यू सी सम स्पेस फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट, कोई आपके ग्लोबल एक्सपीरियंस एक्सपोजर में से कहीं आपको ऐसा कोई दृष्टांत पेश करना चाहे, कोई दूसरे वर्ल्ड में कहीं पर कुछ ऐसा कम्युनिटी इनिशिएटिव हुआ हो विच वी कैन अडॉप्ट एंड क्रिएट सस्टेनेबल इकोसिस्टम विच कैन बी रेप्लीकेटेड, कुछ उसमें से मतलब कहीं से कहीं पहल शुरू की जाए। विशाल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, और एक कम्युनिटी एक्शन होगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और इसमें जो कई एक्शन लिए जा सकते हैं, एक तो ये है कि हम कैसे अपने आप को कमिट करें एज ए सोसाइटी ऑल्सो एज ए ग्रुप ऑल्सो, कि हम जो भी सस्टेनेबल एक्शन हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। जैसे आज हम कह सकते हैं कि मैं अब यहाँ मेरा मंदिर देरासर है, मंदिर है, कुछ भी है, तो वहां मैं पूरा सोलर पावर ही यूज करूंगा, और डेफिनेटली महंगा हो वो छोटा हो वो फर्क नहीं पड़ता है, पर एक मैसेज देने के लिए आज हम जो भी नया काम करेंगे उसमें हम ग्रीन मटेरियल ही यूज करेंगे। आज बहुत विश्व में कई जगह इस तरह का काम हो रहा है,
कि इवन लोग जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट देके भी भले वो स्टील हो या सीमेंट हो या बिल्डिंग मटेरियल हो या फ्रिज हो कुछ भी हो एक्स्ट्रा कॉस्ट देके लिख रहे हैं खरीद रहे हैं जिससे कि वो पर्यावरण की रक्षा कर सके। तो एक इनिशिएटिव सोसाइटी के बेसिस पे लिया जा सकता है। एक वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम हो सकता है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जावे और कैसे यूजफुली उसको यूज किया जावे, क्योंकि हम भगवान महावीर का भी अगर देखें तो सबसे बड़ी जो सीख उन्होंने दी थी कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो और वो सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे आ जाए। तो आज अगर हम सोच लें कि मैं कोई भी जो वेस्ट है उसको कहीं कहीं से रिसर्कुलेट कराऊंगा, कहीं से कहीं रिसर्कुलेट कराऊंगा और एक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है कि जो इसमें इस टेक्नोलॉजी को देने की कोशिश करे तो वो काफी हो सकता है। तो सोलर का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात इसमें आई गई, वेस्ट मैनेजमेंट का है एंड थर्ड जो मेजर और हो सकता है वो है प्लांटेशन का। आज किस तरह से हम ये बेड़ा उठाएं कि जो एक सरकार के पास में भी जितनी वेस्ट लैंड है उस वेस्ट लैंड को हम कैसे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से बातें सरकार भी सोच रही है पर एज ए ग्रुप डेफिनेटली हमें उसको सोचना ही चाहिए कि हम उसके बारे में क्या करें। और ऐसी कोई भी मुहिम होती है तो मैं हर तरह से उसमें जुड़ना चाहूंगा और जो डॉक्टर केपी दोषी जी का सोच है इतना बड़ा उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम सब कैसे जुड़े हैं वो बात अच्छी रहेगी। सर अभी ये आज एक स्टार्टअप का जमाना है, नए नए विचार, नई सोच। अब ये आज के युग में कोई नए एंटरप्रेन्योर who wants to, you know, work in the domain of sustainability, उससे जुड़े हुए कोई भी जैसे कोई product है, कोई technology है या कोई भी ऐसी कोई चीज है which touches that dimension of sustainability, the core area, core focus is on that. तो ऐसे कोई entrepreneur है या ऐसे कोई नए विचार है basically, तो उनको आप कुछ किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप परहैप्स कैन बी स्टीच्ड विद योर सपोर्ट, क्योंकि आप एक योर कॉर्पोरेट हाउस इज चैंपियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो ये इसके ऊपर कुछ अगर आप कह सकते हैं। जरूर हम स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें एसोसिएट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही हमारे ग्रुप ने अनाउंस भी किया है कि हमारा जो प्रॉफिट है उसका जो डिस्पोजेबल प्रॉफिट है उसका जो 10% है हम ऐसी टेक्नोलॉजी में लगाएंगे कि जो ग्रीननेस को बढ़ाती है, जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाती है। और दूसरा है कि अब बहुत से ऐसे आइडिया हैं, भले वो वेस्ट मैनेजमेंट में हो, सोलर टेक्नोलॉजी में हो, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो, ग्रीन हाइड्रोजन में हो, और कैसे हम इस तरह के हम कैसे ऐसे प्रोडक्ट को बना सके हैं, जैसे आज पेपर नैपकिन्स है, टिश्यू पेपर है, अब उनको हटाने के लिए और कुछ कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहे हैं आजकल जगह जगह, आज जो बायोग्रेडेबल नैपकिन्स बन रहे हैं हम उनको कैसे यूज करें, इस तरह से हो सकता है। पर डेफिनेटली पर्सनली भी मैं चाहूंगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। बाद में खाएगा। That is superb, superb. It's very encouraging for new entrants who wants to contribute in this space while making profit. I mean, business तो करना ही है, but then you know it's a win-win situation. So would like to ask anybody in the audience who have any query, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं महेंद्र जी से, please they can raise their hand. हाँ कोटारे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने जो व्यवहारिक उदाहरण दिए वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना हूँ अहमदाबाद से, और एक्चुअली हम क्या है कि 2 अक्टूबर को एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया था 2007 के अंदर, लेकिन बहुत कम लोग इसको मनाते हैं। तो हमको क्या है कि ये जो 2 अक्टूबर की जो तारीख है, मतलब वो महात्मा गांधी की याद में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था उसको,
तो हमें क्या है कि इसको बहुत बड़े स्तर पर लगभग 200 देशों के अंदर इसको मनाया जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ी जागृति होगी। हम 5 साल से यहाँ मना रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कुछ जिलों के अंदर। तो इसको क्या है कि बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इस साल हम कुछ योजना बना रहे हैं, मतलब तो उसमें हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हम चाहेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपका इतना अनुभव है, यूनाइटेड नेशन से आप जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिकल वर्क किया है, तो मेरे ख्याल से आप हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। कोकड़ा साहब, आपका सोच बहुत अच्छा है और डेफिनेटली हम इसमें जुड़ सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं कि जिससे कि हम सबको एक मैसेज दे दें कि हाँ, ये नॉन वायलेंस आज का नहीं देखना है हमें, नॉन वायलेंस आज से 20 साल के बाद भी देखना है, 50 साल के बाद का भी देखना है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज किसी को नहीं मारा, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो मैं अहिंसा का काम कर रहा हूं। पर शायद जब हम इस सोच को इस तरह से ले जाएं कि आज के काम का अगर 20 साल 50 साल बाद इम्पैक्ट आता है तो इसको समझना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा आपने एक बात बताई, इस पर आगे काम करना चाहिए। और को और किसने हाथ रेस किया है? विशाल जी, मैं बोल सकता हूं कुछ? जी प्लीज। हाँ, मैं, मेरा प्रश्न था, अगर इजाजत हो तो पूछूं। आप देखिए भाई साहब, मेरा नाम जयदीप भाई शाह है और मुझे कुछ कहना है और आई हैव सम कमेंट सम क्वेश्चंस, इफ यू अलाउ मी आई मे प्रोसीड। या यू गो अहेड। मेरी एक ही विनंती है कि सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछिए, अलग बातें अगर बाद में करें तो अच्छा रहेगा। आई अनम्यूटेड मायसेल्फ। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ओके, कैन वी नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर जयराज जैन टू आस्क हिज क्वेश्चन। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर जयराज जैन। सिमी साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जल के बारे में एक दो हम लोग क्वेश्चन है, पानी के बारे में जी। एक तो हम एज ए कम्युनिटी जो हमारे घरों के अंदर में बर्तनों को हम साफ करते हैं, जूठे बर्तन वगैरह साबुन से यूज करते हैं, वो साबुन एक डिटर्जेंट है और वो पानी को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उसकी जगह पर हम राख यूज करना शुरू करें, भस्म जो ज्यादातर काउडंग से बनती है या लकड़ी से बनती है, वो अवेलेबल हो सकती है। नॉट प्रोबेबल, सर्वे किया गया था तो देर विल बी नो प्रॉब्लम इफ डिमांड कम्स। तो हम ये यदि राख से यूज करते हैं तो उस पानी को वापस आइदर रीयूज भी कर सकते हैं। उसको यदि हम काफी देर तक रखें तो निथारने के बाद में वो पानी जो बचता है, मतलब ऊपर से निथार करके ले लेते हैं, तो वो हमारे टॉयलेट्स में और में दूसरे सेकेंडरी यूज के अंदर में काम आ सकता है। और यदि हम पानी का बजट बनाएं कि दिन भर में मैं अपनी फैमिली के लिए इतना पानी यूज करता हूं, ऐसा यदि बजटिंग रहे और पीने के लिए जो पानी है उसको ट्रीट करें। आपको शायद मालूम होगा हमारे शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उसके अंदर में क्लोरोफॉर्म मिलता है, और क्लोरोफॉर्म जो मिलता है इंडियन सिटीज के अंदर में, वो IIT खड़गपुर और धनबाद ने पता लगाया है कि वो सेफ लिमिट से करीब 8 times ज्यादा उसके अंदर में क्लोरोफॉर्म है एंड इट प्रमोट्स कैंसर। ये इतनी बड़ी रिसर्च है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर में कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, उनकी अपनी मजबूरी है। हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि ये आप इतना यदि सब पूरी भारतीय जनता को कैंसर की तरफ धकेल रहे हैं तो क्यों नहीं इसका उपाय किया जाए। हम जैनी लोग इसका उपाय एक जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पानी का धुवन बनाते हैं राख मिला करके, और वो धुवन बनाना या उसको हम भस्मी जल बोलते हैं। भस्मी जल बनाने के अंदर में हम 1 liter पानी के अंदर में करीब 3 gram भस्म घोल करके। आपका आइडिया क्या है, आपका क्या
पानी को सेव करने का। जीवराज जी ब्रीफ रहिए, देयर आर मेनी पीपल हु आर आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, हम आपका एक पूरा सेशन रखने वाले हैं पानी के बारे में आपका। थैंक यू। तो वो पानी को यदि हम बस बनाकर यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा पानी का कंजम्पशन कम करें। आइडिया यह है कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको अपने पानी बचाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई जीवराज जी। और आप जो कह रहे हैं, पहले हम लोग राख से हमारे घरों में ये सब होता ही था, और आज भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और जितना जो भी डिटर्जेंट या जो भी ऐसा मटेरियल है जिससे बनाने में CO2 निकलती है, तो धीरे धीरे उसको कैसे अवॉइड किया जाए वो सोच लानी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम जज भाई है और मुझे कुछ कहना है। हेलो, मैं कहिए, आप कहिए। यस सर, इंडिया में इज अ एक्सपोर्टर ऑफ बीफ प्रोडक्शन, हाउ कैन वी स्टॉप इट और रिड्यूस इट, बिकॉज यू आर इन सच पोजिशन दैट यू कैन डू समथिंग, एंड वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन विथ द काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैव, द काइंड ऑफ कांग्रेस दैट वी हैव, दैट वी हैव। सो आई वुड से दैट नाउ डेफिनेटली सम रेस्ट्रिक्शंस वुड कम, बिकॉज this has now been linked with the CO2 emissions, methane emissions, and it has been linked with the climate change. So slowly the reduction in export, reduction in usage would come, and then we would find that yes, positive changes are coming. And I think few times GEN organizations and few other organizations have also given the representation, and I'm sure it will get some positive response now. I am a Vaishnav and Lord Krishna is a worshipper of cow, and we are, you know, so Hinduism basically is does not support killing of cows or eating beef and all that. I think I will interrupt over here by saying that देखिए, हम धर्म की बात करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन को नहीं रोक पाएंगे। हमें पीपल वर्ल्ड ओवर को एजुकेट करना है कि नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अ राइट फूड। जब तक साइंटिफिकली देखिए, आप हम गांव को माता कहते हैं, इसके लिए आप बीफ खाना बंद कर दीजिए, ये कोई लॉजिक दुनिया के अंदर चलने वाला नहीं है, क्योंकि 92% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल नॉन वेजिटेरियन। हमें ये समझना है, तो हमें अलग तरह से जाना पड़ेगा। हमारे पास हार्वर्ड के या तो बर्कली के या तो स्टैनफोर्ड के कुछ ऐसे रिसर्च पेपर होने चाहिए, कुछ ऐसा वर्क होना चाहिए, ताकि विश्व के लोग ये मानना शुरू करें कि नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अ राइट डाइट। देखिए, हम धर्म की भाषा से नहीं चलेंगे, हमें विज्ञान की भाषा से चलना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक। सो डॉक्टर दोषी साहब, मैं बताऊंगा कि इस तरह की स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, और धीरे धीरे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ग्रुप्स, बहुत सी कंट्रीज अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि हम इतना परसेंट नॉनवेज कम लाएंगे, इतना परसेंट कम लाएंगे, और वो धर्म के लिए नहीं, आपने जो सही बात बताई, धर्म के लिए नहीं, बट क्लाइमेट चेंज के लिए, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए। एब्सोल्युटली। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नरेश सकलेचा जी। हेलो, यस सर, प्लीज गो। हां सर, जय जिनेंद्र साहब। ये अभी जो साबुन और डिटर्जेंट से बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है, उसके लिए अपन एंजाइम्स उपयोग कर सकते हैं, किंतु एंजाइम्स बनाने में जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो उसमें हमारा अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या ये उचित है? शायद नहीं हो, लेकिन इस पे ज्यादा तो डॉक्टर विपिन दोषी साहब बता सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, हम लोग एक इंद्रिय जीव की बहुत सोच रखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय कितनी मर जाती। तो हमारा फोकस एक इंद्रिय से हम पंचेंद्रिय पे लेके जाए तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत सोचा हमने एक इंद्रिय का, और पूरा हमारा जैसे पानी उबाल के पियो, कंदमूल नहीं खाओ, उसके ऊपर भी हम चिटके रहे हैं, और जो मेजर चीजें करनी है वो भूल गए हैं। तो हमें ये थॉट से भी निकलना ही पड़ेगा बाहर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कोई एक इंद्रिय जीवों को नुकसान करना है, वहां भी जयना तो करनी ही है,
नहीं और उसके अलावा भी डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में और साबुन बनाने में बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा हिंसा होती है वहाँ राख के उपयोग में। जैसे हम पानी उबाल के पीते हैं तो पहले टाइम जब भी पानी उबालते हैं तो हिंसा ही करते हैं ना, लेकिन बाद में जो परपेचुअल जो उसमें जीव होने वाले हैं अगले 8 घंटे तक उसको बचा लेते हैं। तो हमें ये पूरा का पूरा साइंस ऐसे सोचना है, उसको बचा लेते हैं, अपना स्वास्थ्य बचा लेते हैं और फिर वो गंदी दवाइयों नहीं लेना पड़ती जिसमें बहुत सारे जीव की हिंसा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अगर राख का अपन उपयोग करते हैं जो दोहन पानी का उपयोग होता है तो राख से प्यूरिफाई होता है वो पानी, राख से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, अल्कलाइन बन जाता है उसमें वाटर, वो अल्कलाइन बढ़ती है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके थॉट्स शेयर करने के लिए। हम अगला क्वेश्चन लेंगे एसएस जैन से। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं एसएस जैन, मैंने सिंगी जी के साथ में 11 साल काम किया है और इनके साथ मिलकर मैंने भी नई टेक्नोलॉजी से कैसे CO2 कम जनरेशन किया है। मैंने करीब 48 ईयर तक सीमेंट इंडस्ट्री किया है और पिछले 2 साल से रिटायरमेंट के बाद में जब मैंने महावीर के सिद्धांतों का अध्ययन किया तो जो मैंने इंडस्ट्री में किया वो पूरा ही मतलब अलग हो गया। अगर आप आवश्यकताओं को सीमित कर लो तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, जितने भी अपने रिसोर्सेज है वो भी कम काम में आएंगे। तो अपने यहाँ भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे महावीर स्वामी ने बोला पानी का लिमिटेड यूज करो, हमारे जो 14 नियम है जो सुबह उठते ही अपन लेते हैं कि मैं इतनी सब्जी खाऊंगा, इतने पदार्थ खाऊंगा, इतने ये खाऊंगा, तो वो लिमिट करते हैं कि आप अपने उपयोग में कितना लाओगे। तो जो महावीर का सिद्धांत को अगर अपन फॉलो कर लेंगे और उसके साथ में जो नई टेक्नोलॉजी को यूज कर ले रहे तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है वो बहुत जल्दी ही अपन मीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पूरा वर्ल्ड उसको माने तब ये हो सकता है। तो मैंने ये महावीर के सिद्धांत आगम जब मैंने पढ़े तो मेरे को बहुत कुछ ये मिला कि महावीर स्वामी ने जो कहा है वो हम कर ही नहीं रहे, थोड़ा भी उसको फॉलो नहीं कर रहे। अगर उसको अपन फॉलो करें, अगर हम फॉलो करें, आप अगर रेस्पॉन्सिबल आदमी है तो 10 आदमी आपको फॉलो करेंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि सिंगी जी ने जो बताए ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो तो जरूर होना ही चाहिए, पर एज ए महावीर स्वामी के अपन भक्त हैं उनको क्या करना है, अपने आवश्यकताओं को लिमिट करना है। जैसे कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि कैसे काम चल सकता है, कितने कम चीजों में काम चल सकता है, तो वो महावीर स्वामी के सिद्धांत थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आवश्यकताओं को सीमित करिए, वनस्पति का नाश मत करिए, पानी का लिमिटेड यूज करिए, तो अपने आप जो ये संसाधन है जिसके कारण जो यूज करके बढ़ाने पड़ते हैं वो अपने आप कम लगेंगे, तो अपने आप ही ग्लोबल वार्मिंग महावीर स्वामी के सिद्धांतों से कम होने की संभावना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन जी नमस्कार, और जैन साहब और हमने साथ में काम किया है, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति तो है और इन्होंने भी और कैसे हीट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन और कैसे वेस्ट को अच्छी तरह यूज किया जाए सीमेंट सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पर आपने अच्छी बात बताई जैन साहब और सब इसके बारे में जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जैन साहब। अभी हम इनवाइट करेंगे रविंद्र सिंह जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर थॉट्स और क्वेश्चन। रविंद्र सिंह जी। हाँ जी, सिंह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फैंटास्टिक डिलीवरी, वी रियली एंजॉयड योर टॉक एंड वी ऑल नो दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड वी आर नॉट सरप्राइज व्हाट यू हैव स्पोकन, बट इट वाज रियली वेरी वेल एंड वी रियली लर्नड अ लॉट, सो कांग्रेचुलेशंस एंड कीप द इंडियन फ्लैग हाई एज अवर Chopra has kept the fly high. You also keep the flag high in the global world. And we all learn from you. And please share your learnings with all of us from time to time. That's all from my side. Wish you a very, very good day and very good time going forward. All the best. Thank you, Singhvi ji. Thanks for
speaking from Lagos. Thanks for you know, leading many many companies in a big way, and I know your contribution also. But then surely it's a work being done together, and we all should, in particular, we all Gen should come that how as a climate protector, more can be done by combining the groups. Thank you, Gen Singhji. Just 1 minute, since you have taken the Lagos name, I would like to further add that, as you know, that we also have cement company, and whenever the cement reference comes, I always remember you, and someday I will invite you to give a talk to our cement people also, so that they can also fall in line what you are doing globally. Sure, thank you. Thank you. All the best, Singhji. Thank you, you so much. So, Anil Shah wanted to talk. Anil Shah. Sure, sure. Anil Shah ji. जय जिनेन्द्र साहब, सभी को सिंघी साहब का बहुत ही अद्भुत उद्घोषण हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सब मिलकर डिसाइड कर लें कि हम पेपर नैपकिन का यूज नहीं करेंगे और प्लास्टिक के सामान का यूज नहीं करेंगे जहां तक पॉसिबल हो, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत बड़ी बचत हो जाएगी फॉरेस्ट बचाने में। मैं आपको बताऊंगा कि अभी हिंदुस्तान में उतना यूज नहीं हो रहा है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। वो तो हर सेकंड में, हर मिनट में उनको पेपर नैपकिन और इस तरह का थ्रो अवे चीजें चाहिए। अगर आज से ही हम ये डिसाइड करें कि साहब इस पोजीशन में भी या आने वाले टाइम में हम पेपर नैपकिन का यूज कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, और आगे वाले बच्चों को भी ये शिक्षा दें, तो शायद हमारी एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट सेविंग हो जाएगी इससे। ये मेरा, मैं सिंघी साहब का से इस बारे में मेरी पहले चर्चा हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि वो इसको थोड़ा और बोले, क्योंकि संतों के मुंह से निकली हुई चीजें तो सबके दिमाग में उतर जाती है। धन्यवाद अनिल भाई, और डेफिनेटली आपने मुहिम छेड़ी हुई है, मुझे पता है, और इसमें काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो भी लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली सोच को और आगे बढ़ाएंगे, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम सबका ये मानना ही है कि फॉरेस्ट को जितना बचा पाए हम आने वाली जनरेशन को बचा पाएंगे। थैंक यू। I think give 1 minute to Mr. Vijay Bapna, Mavid International. Yes, Vijay Bapna ji, sir. Jai Jinen. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Mahendra ji, bahut bahut badhai aapko, very nice talk, and it was pleasure to listen to you. Actually, aaj just to information, I see relevant hai, isliye main batana cha raha hu ki Mahavir International ne aaj Jaipur mein 500 banyan trees plant kiye, aur abhi 3000 का करीब और प्लान है, और इन टुडे इटसेल्फ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हो चुकी है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मावी इंडस्ट्रीज डूइंग लॉट ऑफ प्लांटेशन एंड ग्रीन क्लीन इंडिया का चल रहा है रेगुलरली, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एज वेल। प्रीटी श्योर। ओके, नाइस टू टॉक दैट, हियर यू टुडे। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई बाका साहब, और इस बार हमारी मिसेज ने भी बीड़ा उठाया कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाऊं, और उन्होंने अपने बर्थडे मंथ में कई ऐसे काम कराए हैं कि जिससे कि जगह जगह पेड़ लगे हैं, और हमारे साथी उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर डेफिनेटली हम सबको इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए, और राजस्थान में भी कई ऐसे सांचोर एरिया, कुछ एरिया, जरूर एरिया साइड में लोगों ने मंदिर में इस तरह के बहुत बड़े काम किए हैं। फ्रेंकली वैसे तो महावीर इंटरनेशनल कई 50,000 प्लांट साल के लगाता है, बट टुडे वाज अ बनियन ट्री का जो है, दिस इज ऑल द वर्ल्ड रिकॉर्ड माय, अदरवाइज देयर आर मोर देन 50,000 प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड एवरी ईयर। और हम लोगों का भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगले 5 साल में कम से कम 500,000 पेड़ हम लगाए, और हमने खासकर मेघालय, आसाम और बेलगाम में बहुत बड़ा काम चालू किया है। गुड, एनीवे यू हैव बीन डूइंग अ लॉट, आई नो दैट। थैंक यू बाप साहब। And fortunately, Bapna ji, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। Can you please unmute? No, I know. No. I'm just saying, Mahendra ji, because of this today, by incidentally, we both are in green dress only. That's what I was saying. क्योंकि जब क्लाइमेट की बात होनी होती है। बिल्कुल। मैं वो सोच के नहीं आया, वैसे ही आ गया था। By chance. मैं वो सोच के आया। Good. I know that.
ओके थैंक यू सर. एस एस जैन जी आपने हाथ रेस किया हुआ है, वुड यू वांट टू से समथिंग अगेन? नहीं हाथ नीचे नहीं कर पाए वो. मैंने अपनी बात कह दी है. अच्छा ओके थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So yeah, I just want to make one point and then I'll invite my colleague Shwetal Shah ji for vote of thanks. So beech mein baat hui thi ki, I mean, kaise non-vegetarian food kam kiya jaye, and sir ne bataya it cannot be done on the basis of religion. In fact, isi week ek survey aaya hai US mein, I think it was a survey of about more than 2000 people, and the survey findings batati hai ki 2040 tak more than 90% of the people in US will turn from non-vegetarian to plant-based diet. So jaisa ki bataya gaya, I mean, it is not going to be on the basis of religion, but it is going to be based on scientific facts. As people understand what is good for their health, what is good for their environment, what is good for everybody else, I think more and more people are likely to adopt it. And the need is for us to also create that awareness. Sir, aap mute pe. Sangeeta ji, I fully agree, and I think somewhere we can combine both climate impact and dharma. Somewhere only climate change, whatever fruits. But then if many of our senior people, as well as Sadhu Bhagwan and all this, if they start talking in this way also, that would help in a big way. In my view now, the need for our community is that how Sadhu Bhagwan jo hai, आचार्य श्री हैं, वो अब इन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना कैसे चालू करें, कैसे वो अवेयरनेस लाए, क्योंकि उनके जो बात है वो महावीर भगवान की बात है और उनको हम ज्यादा मानते भी हैं. और ये पर्यूषण पर्व जो आने वाला है और इस समय और सब हर व्यक्ति एक्टिवेटेड है कि मैं धर्म की बात में और दिमाग कैसे लगाऊं. तो उस समय डॉक्टर विपिन दोषी जी की इतनी पहचान है, सब कुछ है, अगर वो इसमें और आगे एफर्ट कर सके और आचार्य लोग साधु साध्वी जी वो कैसे बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा. Absolutely sir, can't agree more. We will definitely take this initiative forward under your guidance, under sir's guidance. I think this is definitely due this position. We have to do something different and we will take that forward. With this, I will invite my colleague Shwetal Shah ji to propose vote of thanks. Shwetal bhai. Thank you, ma'am. So we are all thankful to Singhi ji, Mahendra Singhi ji, for agreeing to come on our platform and share his views. And sir, we are really inspired today because aapne teen cheez ko ek saath mein jod ke bataya. Sabse pehla Bhagwan Mahavir ka ahimsa ka siddhant, phir वो सिद्धांत को पालने की वजह से हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं उसकी बात की, और तीसरा आपने बताया कि ये सब करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमिक और हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ती है. तो ये तीनों चीज क्योंकि हम तो बनिए हैं, हम जैन लोग हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट जब हम ये तीनों चीज को जोड़ देते हैं तो जैसे बिपिन सर ने और संगीता जी ने बताया कि हम एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे हमारा पर्यूषण का फेस्टिवल अभी आ रहा है तो हम सब लोग कैसे अपनी एनर्जी को, कैसे अपने पानी कंजम्पशन को, हमारे और जो भी लाइफ में रिसोर्सेज का यूज है हम उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करके एक अहिंसा की बात हम अपने समाज में, हम अपने मित्र वर्तुल में और हम अपनी कम्युनिटी में करें, तो इससे सबका फायदा होगा. भगवान महावीर की जो बहुत पुराने समय में बताई हुई बात है उसको और हम अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे कर्म के सिद्धांत को, और इससे हमारे जीवन में जो है वो हम एक पृथ्वी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे. तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वर्ड्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू keep taking your guidance and to spread our mission, जो हमारा applied Jainism का जो platform है उसकी जो हम बात और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने Zoom platform पे और YouTube और
फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छी संख्या में लोग आए और लाइव इसका लिया, और ये रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जब कभी किसी को रिफर करना हो तो वो कर सकेंगे. सो वी आर थैंकफुल टू आवर टेक्निकल टीम एंड सपोर्ट फॉर देयर वेरी हार्ड एंड कोलैबोरेटिव वर्क. वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर अजीत जैन जिन्होंने हमें आपसे जुड़वाया और आपको ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक के ऊपर हम कैसे डिस्कस कर सके वो बताया. आपकी टीम के अनुपम जी ने भी बैकएंड पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू देम. एंड वी आर ऑल्सो इक्वली थैंकफुल टू अवर मेंटर डॉक्टर बिपिन दोषी एंड अवर coordinator Sangeeta ji for making this happen today. And sir aur hamare viewers ka bhi hum thanks karte hain, aur hum chahenge ki aapke jo bhi constructive comments hai usse usko hum aane wale samay mein follow kare, aur hamara jo ye mission hai ki bhagwan mahavir ke siddhanton aur paryavaran bachao mein hum collectively कैसे कम्युनिटी में और समाज में अपना बात को बढ़ा पाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे. थैंक यू ऑल. वन मिनट आई वुड लाइक टू से महेंद्र जी, एक मिनट कहना चाहूंगा. आज अगर डेढ़ घंटे आपने महेंद्र जी को सुना, भगवान महावीर की बात सुनी, तो मैं मानता हूँ इसका फल एक प्रतिक्रमण से कम नहीं होगा. आप ये सोच रखिए, ये भी एक प्रतिक्रमण है, ये भी एक सामायिक है. सिर्फ सामायिक रूटीनली और रिचुअली करना सिर्फ सामायिक नहीं है. हम लोग हजारों लोगों तक नॉन वायलेंस की बात अगर पहुंचाते हैं तो उसका जो पुण्य का फल है ना, वो एक प्रतिक्रमण से ज्यादा हो सकता है. तो जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक दृष्टि से आपने बहुत पुण्य कमाया है. बहुत बहुत धन्यवाद. कितनी सुंदर तरीके से आपने बात कही है कि हम इस तरह की बातें, इस तरह के काम करते जाए. थैंक यू. और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी. थैंक यू. धन्यवाद साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम वेरी सून. विद दैट वी वुड लाइक टू टेक योर लीव. सो एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. थैंक यू सो मच.